अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो ये आज हम लोग आए हैं शॉपिंग करने मॉल में। सबसे पहले माइजा को मिल गई कैंडी। वाओ, माइजा ने इस कैंडी मशीन में अपने कॉइन्स डाल के कैंडी निकाल ली। तो जी व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अब हम लोग अपना शॉपिंग ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं। ये मुझे कुछ किचन के लिए चाहिए थे, मैं डिश वॉश करती हूँ तो मुझे चाहिए होते हैं ग्लव्स। तो मेरे हाथ जो हैं आजकल बहुत ख़राब हो रहे हैं थोड़े से, तो इसीलिए मैंने सोचा यहाँ से मैं ग्लव्स ले लूँ। तो ये बैग ग्लव्स चेक कर रहे हैं कि कौन से मैं लूँ। तो बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए और हमारी शॉपिंग एंजॉय कीजिए। ये देखिए यहाँ पे सारे सोप हैं, ये यहाँ पे ये डोर सपोर्ट हैं और डोर के नीचे रखने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए अगर आपने डोर ओपन रखना है थोड़ा सा या फिर इसको कवर करने के लिए नीचे से, तो ये वो थे। तो ये क्लोज़अप मैंने किया, ये बच्चों का रूम मैट है। और ये सोप एज़ यूजुअल जो मैंने भी आपको पहले दिखाए थे, ये है वो डोर मैट बच्चों के, सॉरी रूम मैट जो मैंने भी क्लोज़अप करके आपको दिखाया था। माइजा के रूम के लिए मैं पहले लेके गई थी, इसने ख़राब कर दिया, एक फाड़ दिया इन बच्चों ने दोनों ने, तो अब मैं दूसरा लूँगी, ये वाला नहीं। तो ये देखते जाइए, हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं। ये क्या है? बटन, बटन? वो क्या करना है? ये स्टिचिंग वाला एरिया, ये थ्रेड वगैरह पड़े हैं डिफरेंट जो होते हैं वूल वाले थ्रेड और ये सब कुछ वो था। ये बच्चों का पिन रैक है, यहाँ पे डिफरेंट पोनीज और पिन्स वगैरह हैं यहाँ पे। माइजा को ये शौक़ नहीं है, वो ये नहीं लगाती, इसको बैंड पसंद है कार्टून्स वाले, कैट्स वाले, तो वो यहाँ पे नहीं होते हैं। वो मैंने इसका लिया था रेड टैग से, तो वो इंशाल्लाह ज़रूर ये बहुत जल्दी अपने आने वाले ब्लॉग्स में पहनेगी, तो आप लोग देखिएगा, बहुत क्यूट लगती है माशाल्लाह। यहाँ पे मैं अब अपने स्कार्फ देख रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारी स्कार्फ की वैरायटीज हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ पे, हर तरह का प्लेन स्कार्फ, फैंसी स्कार्फ और डिफरेंट, मतलब हर स्टफ में है स्कार्फ। आप देखिएगा, मैं यहाँ पे एक दो ओपन भी करके देख रही हूँ, आप लोग भी देखिए कितने ज़बरदस्त हैं और इनके मतलब ये कितने बड़े बड़े हैं, छोटे स्कार्फ नहीं हैं। अगर आज आप लोगों ने मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और बेल के साथ हिट कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और ये बच्चों के नॉर्मल रूटीन में घर में पहनने वाले शूज सेक्शन है यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग नॉर्मली माइजा के और रहान के घर में पहनने वाले जो जूते होते हैं वो लेके जाते हैं। तो देखिए कितने क्यूट क्यूट पड़े हैं बच्चों के यहाँ पे। तो बस अब यहाँ पे रोहान भी रोना शुरू हो गया था और माइजा भी थोड़ा बस डिस्टर्ब हो गई थी कि अब घर चलो, तो इनको यहाँ पे हम लेके आए टॉय सेक्शन में। तो ये बच्चों के इतने प्यारे प्यारे और फैंस पड़े हुए थे, बच्चों के लिए फ़ैन बना के इन्होंने रखे हुए थे और ये फ्रेम्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, देखिए कितनी प्यारी प्यारी डेकोरेशन की चीज़ें भी हैं। तो बस माइजा और रोहान को ये एक मैंने फ़ैन भी ले दिया था और साथ ही उसके ये था एक सेक्शन, मैं आपको दिखाती हूँ, ये दिखा रही हूँ जो ये है मोबाइल सेक्शन है सारा, यहाँ पे मोबाइल की हर एक्सेसरीज यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। और उबैद साथ साथ शूज़ देख रहे थे और मैं आप लोगों को मॉल का विज़िट करवा रही हूँ, सो यू गाइज एन्जॉय। तो ये एयरपोर्ट वगैरह जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके कैप्स वगैरह हैं और यहाँ पर ये डिफरेंट वायर केबल्स हैं मोबाइल पे लगाने के लिए। तो बस यहाँ पे हमारी शॉपिंग कंप्लीट होती है, हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी शॉपिंग और अब हम लोग आ गए हैं काउंटर पर, तो यहाँ पे पेमेंट करेंगे और फिर हम लोग चलेंगे वापस घर की तरफ। तो यहाँ पे बस बैठ जो है आप सारा कुछ सामान रख रहे हैं काउंटर पर, तो वो लेडी जो है वो बिल करेंगी, तो बस वैसे पेमेंट करेंगे। आप लोग देखते जाइए कैसे हम लोग सामान रख रहे हैं। और ये देखिए उबैद के काम, ये मेरा बैग भी रखने लगे थे गाइस, ना इंसाफी।
तो बस अब यहाँ पे उबैद की पॉकेट थोड़ी सी ढीली करने का टाइम आ गया है। वो लड़की उबैद से पैसा निकलवाने लगी है। आप लोग देखते जाइए और इंजॉय करते जाइए गाइस। और मैं अगेन यही कहूँगी, अगर अभी आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, आप फर्स्ट टाइम मेरा ब्लॉग इंजॉय कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे ऐसे ब्लॉग बहुत सारे आते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को बेल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग मेरी हर लेटेस्ट वीडियो टाइम से देख सकें और टाइम से इंजॉय कर सकें। सो या गाइस, कीप इंजॉइंग। And if you are my old subscribers, so please do like my video, give a big thumb up to my video and comment below in the section of the comments that which part of the video you like the most. I don't know. ये देखो मायदा, मायदा आपने ले लिया सब कुछ? तो बस अब हम लोगों ने सामान ले लिया, अब हम लोग जा रहे हैं गाड़ी की तरफ और पार्किंग में हमारी गाड़ी खड़ी है, वहाँ जाके अब हम सामान रखेंगे। तो मेरी बेटी देखिए कितने प्यारे तरीके से अपना शॉपिंग बैग अपने हाथ में लेके जा रही है, और बस बैग अब सारा सामान रखेंगे और अब हम लोग जाएंगे घर की तरफ वापस। हाँ माइजा ने बोला है मुझे जूस पीना है डैडी, तो बैग उसको लेके जा रहे हैं और जूस वाली शॉप में, वहाँ जिसके लिए जूस बनवा रहे हैं कॉकटेल, तो ये वो पिएगी। तो यहाँ पे डिफरेंट शॉप्स के नेम्स जो हैं बहुत अजीब अजीब से होते हैं। आप ये देखिए यहाँ पे लिखा है अतीर कसब फरगल, ये जूस की शॉप है, और मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो मुझे बड़ा अजीब लगा था यहाँ पे देख के ना, शॉप्स के नेम बड़े अजीब अजीब इन्होंने रखे होते हैं अरबी नेम जो हैं। तो ये देखिए बैड जूस लेके आ गए हैं, उमाइजा का भी और मेरा भी, और अपना जो है बनने के लिए देख के आए हैं, फिर दोबारा लेने जाएंगे हमें देख के और उमाइजा को बिठा के। तो बस हम अपना यहीं पे ब्लॉग को जो है एंड करते हैं, तो आप लोग मेरी वीडियो को थम्स अप कर दीजिए। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का ब्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने हमारे साथ एंजॉय किया होगा शॉपिंग के साथ साथ। और चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और हमें जूते एंजॉय करने दीजिए। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।